मेरा दूसरा साल है टीम के साथ, लास्ट ईयर भी था तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। लास्ट ईयर भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली थी और इस साल भी मज़ा आ रहा है। मज़ा तो यही कैसे आ रहा है, किस तरह से आ रहा है? बहुत सारी चीज़ें जो सीखी जाती हैं प्लेयर से, जो बड़े प्लेयर्स हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है जो हमारे आगे के लिए काम आएगा। क्योंकि कल को अगर इंशाल्लाह यंगस्टर अगर अच्छा क्रिकेटर बनता है, उसको एक गाइडनेस मिली भी होगी शुरू से, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा होता है। कराची में उस तरह हम टाइम नहीं स्पेंड कर पाते जो इस तरह के अपने क्या कहते हैं PSL में कर लें। फैंस की तादाद बढ़ गई है? फैंस की तादाद ओबियसली बात है कि PSL है तो हमारे लिए भी प्राउड की बात है, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, तो जाहिर है फैन फॉलोइंग थोड़ी बढ़ जाती है। नहीं देखें, जाहिर है कि लिफ्ट कराने की बात नहीं, अभी तो एज नहीं है हमारी ये वाली, लेकिन नहीं अभी ऐसा कुछ है नहीं, मेरा वैसे कुछ इरादा नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आगे 3-4 सालों में सोचा है, अभी क्रिकेट पे फोकस करना है। जाहिर है फैन फॉलोइंग आपकी बढ़ती है जब आप इस स्टेज पे आते हैं तो, लेकिन अवॉइड करनी पड़ती हैं चीज़ें बहुत सारी। तो कब तक इरादा? अभी देखें, अभी तो कुछ पता नहीं, घर वाले उससे बात करेंगे तो 24-25 में जाके फिर कुछ बात चलेगी। तो कराची किंग्स के लिए और कराची के लोगों के लिए कुछ भी जो दिल ले आ रहा है कुछ यार, वो देखें ऐसा आ रहे हैं लोग, ये रिजवान में ही है ना भाई, बोलो कि हमारी टीम को सपोर्ट करें और इसी तरह जैसे पहले सपोर्ट करें, दुआएं करें बस और कुछ नहीं। अच्छा एक चीज होती है कि प्लेयर्स नॉर्मली अपना जो करियर खत्म होने के बाद पॉलिटिशियन बन जाते हैं, कोई एक्टर बन जाता है, कुछ मुझे ऐसा लगता है कि बंगश सिंगर बनने जा रहा है, ऐसे ही सिंगर का नहीं पता, एक्टर जरूर बन जाएगा बंगश, क्योंकि 3 साल से ARY और कराची किंग्स के साथ है। नहीं ऐसा कोई इरादा नहीं है एक्टर वैक्टरी का, क्रिकेट ही खेलना है। फैमिली में लड़ले हो क्या है, कैसा घर के अंदर किस माहौल? बिल्कुल देखें, मैं सबसे छोटा हूँ भाइयों में और मुझसे छोटी 2 सिस्टर हैं, लेकिन मैं सबका लाडला हूँ, अपने वालिद साहब का, वालदा का, तो बहुत ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं। और जब मैं टूर्स वगैरह पे होता हूँ तो सब घर में वेट ही कर रहे होते हैं कि कब आएगा अम्मी, ये बनाना वो बनाना, पहले से कॉल करके पूछती हैं कि भाई तुम्हारे लिए ये बना के रख दूँ वो बना के रख दूँ, तो मैं कहता हूँ नहीं बहुत ज़्यादा नहीं, मैं सब कुछ यहाँ पे खा ही रहा हूँ, तो आपको जो अच्छा लगे आप बना दिएगा। बस हमारी टीम को कराची किंग को सपोर्ट करें और मैं अपने घर वालों के लिए दुआ करता हूँ कि मतलब उनकी मेहनत और काफ़ी शो की मतलब बदौलत मैं यहाँ पहुँचा हूँ, मतलब कि कराची किंग को आप सपोर्ट करें। और मतलब जब टूर्स पे होते हैं तो ज़ाहिर है फिर मैनेज करना पड़ता है सारी चीज़ें खुद से, और अब यूज्ड टू हो चुके हैं सारी चीज़ों से, तो खाने की कुछ ज़रूरत होती है तो ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं या फिर बाहर जाते हैं। टीम कैसी है? टीम तो काफ़ी अच्छी है, मोराल काफ़ी ब्लू कलर की टीम है। यार वो देखें ऐसा आ रहे हैं लोग। कराची किंग्स का वीडियो माशाल्लाह, कोई मेरा ख्याल है हम स्टूडियो 12 बजे आ रहे थे, एक शख्स हमें 12 बजे बुलाता था और रात को कोई 10-11 बजे हमें छोड़ते थे। मुझे अच्छी तरह याद है जिस तरह आप लोग के साथ काम किया, तो सुबह 12 बजे आए और रात 12 बजे घर गए, तो इतना लंबा वेट करना पड़ा, क्योंकि क्रिकेट खेलते तो क्रिकेट में पता नहीं चलता इतना, अब शूटिंग में बैठे हुए वेट कर रहे हैं सबका, टेक 1 टेक 2 जिस तरह होता है, तो खैर मज़ा भी आया। हमें विंग्स भी लगा दिए, उन्हें उड़ा भी दिया, पता नहीं क्या क्या करा दिया, फुल मतलब नचवा रहे थे हमें, लेकिन इन दी एंड वीडियो बहुत आला हुई और बड़ा मज़ा आया। हमें नाश्ते से लेकर रात का खाना खिलवा के भेजते थे। ये बताएगा ये सही बोल रहा हूँ मैं कि ये बंगज बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें 12 बजे बुला लिया जाता है, नाश्ता हम वहाँ करते हैं रात का खाना और रात 12 बजे हम घर जाते हैं और हमारा एक आ शॉट लगता है। तो अब टाइम पे नहीं आएंगे हम अगले। हाँ ये बात भी, एक शख्स हमें विंग से लेके होप नॉट आउट तक नचवाते हैं, और जब हम वीडियो देखते हैं तो हमारा एक शॉट लगता है, एक शॉट डाल तो कौन सा पार्ट है वीडियो का जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे कौन सा पसंद है, मुझे लगा विंग्स लगा के उड़ उस पर हमें स्टेप भी करें, क्योंकि जब सॉन्ग हमारा पूरा रिलीज हुआ है तो उसके अंदर सिर्फ एक शॉट लगा है, तो दे दना दन दे कराची किया तो मैंने बहुत दफा था, कोई 8 या 9 टेक दिए थे मैंने, लेकिन वो आपने लगाया नहीं उसमें। हमने तो पूरा गाना ही गाया है, मतलब मैंने देखा था वीडियो, तो मैं तो कोई वो अलग बात है वीडियो में नहीं आया, लेकिन शूट में तो माशाल्लाह दे धनादन से लेके और विंग उड़ाते तक पूरे हमने तो स्टेप किए हैं। तो खैर वो तो है एक पार्ट है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स हैं सबका एक एक शॉट भी लगे तो इतने में सॉन्ग पूरा हो जाता है, लेकिन खैर बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आया जो दिल से। तुम गाना बहुत अच्छा गाते हो, तो मैं चाहूँगा कि तुम थोड़ा सा गुनगुनाते। नहीं, मैं किसने कहा आपको मैं गाना अच्छा गाता हूँ? नहीं, गलत पता है आपको, कोई मैं अच्छा गाना वाना नहीं गाता, मेरी आवाज़ तो मुझे लोग कहते हैं वैसे बुरी है, सॉरी आई कांट। तुमने लास्ट टाइम मेरी नगमा गाया था बड़ा प्यारा सा। मेरी नगमा तो दिल से निकलता है, चीज़ तो दिल से निकलती है इंसान के लिए। मुँह से निकलती है, मुँह से।
यार वो देखें आसा रहे हैं लोग। कराची किंग्स लगा के विंग सबको लेके उड़ जाएगा, दे धना धन दे कराची, दे धना धन दे कराची। इसी तरह से इसी टोन पे कराची वालों को पैगाम दो इसी रिदम में। अरे कराची वाले हमको करेंगे सपोर्ट और हम इंशाल्लाह कप लेके आएंगे, दे धना धन दे कराची, दे धना धन दे कराची, दुबई से ट्रॉफी लेके उड़ के कराची हम आएंगे, दे धना धन दे कराची। एक वो भी बोलता, हमने बहुत कोशिश की, तो बात नहीं चलेगा ना, बोलना हमने बहुत कोशिश की, हम माजरत चाहते हैं कराची वालों से। वो तो लास्ट पे बोलते यार वो देखें आ रहे हैं लोग।